करहल क्षेत्र के एक गांव में आम रास्ते पर हुए जल भराव से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी जब इस समस्या का निदान नहीं हुआ तो यहां के मुस्लिम समाज के लोगों ने तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन किया है। मामला करहल थाना क्षेत्र के ग्राम गढ़िया खजुरारा का, जहां के एक मोहल्ले के आम रास्ते और नाली में हुए अवरोध से जल भराव हो गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिसके चलते शनिवार को गांव के दर्जनों मुस्लिम समाज की महिला व पुरुषों ने करहल तहसील मुख्यालय पर पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया और जल भराव की समस्या से निस्तारण की मांग की प्रदर्शन कर रही। ग्रामवासी मोमना बेगम जैनुद्दीन नसरुद्दीन ने बताया कि मुस्लिम समाज लोगों में नमाज पढ़ने के लिए नाली के गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे काफी परेशानी होती है। मोमना बेगम, क्या समस्या है? ये समस्या है हमारे यहाँ, मान लो रोजे वोजे नहीं रख पा रहे, निकलने कोई रास्ता नहीं है, और मान लो ऐसी बात है, अब नमाज वमाज पढ़ने के लिए जाते, कोई गांव में निकलते हैं तो गलियों में गाली देते हैं लोग बाग कि हमारी गली में मन करो, अपनी अपनी गली में निकल के जाओ। आपकी गली में क्या समस्या है? हमारी गली में पानी भरा हुआ है, परियन परियन उसमें निकल निकल के जाते हैं, कोई जा नहीं पाते, नमाज वमाज पढ़ने के लिए नहीं जा पाते हैं, रोजे वोजे नहीं रख पाते हैं, गंदा पानी है, निकल निकल बार बार उसमें जाते हैं आते हैं, तो कहाँ तक निकले? हमारा नाम है नसरुद्दीन। कहाँ के रहने वाले हैं? हमें गढ़िया। क्या समस्या है? समस्या ये है कि पानी जाता था तालाब में पहले, नालियों का, नहाने धोने का, चौका वासन का, वो पानी बंद हो गया, तालाब में भरा हो गया, अब कोई जगह है नहीं वहाँ पर निकलने की। किसी को आपने शिकायत नहीं दी? शिकायत दी हमने SDM साहब को, एप्लीकेशन दिया है, आज 4 दिन हुए। क्या कह रहे हैं SDM साहब ने? ये कहा है कि हम भेजेंगे लेखपाल वगैरह को, तब उसकी वो देखेंगे, विकल्प उसका देख के तब बताएंगे। जैनुद्दीन का सर, क्या समस्या है आपकी? समस्या क्या है सर, पूरे मोहल्ले से लेकर मेन सड़क तक पानी भरा हुआ है जी, और प्रधान से भी कह चुके हैं, प्रधान भी आए, उन्होंने भी कोई समस्या का समाधान नहीं किया। SDM साहब को 29 तारीख को एप्लीकेशन देकर, और उन्होंने कहा कहानी वो लेखपाल को भेजेंगे, कोई वहाँ गया नहीं, और आज दिन तक, और आज भी देख रहे हैं, सुबह से बैठे SDM साहब अभी है नहीं, रोजा रहने में दिक्कत, कल जुमा की नमाज पढ़ने गए तो इधर उधर से घूम के गए तो लोग गाली दे रहे हैं कि मैं सड़क से निकलो, हमारे घर से निकलोगे तो जूता मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पानी से जाइए। अब बताइए साहब, क्या नमाज पढ़ने जाएंगे और नाली के पानी से जाएंगे तो क्या नमाज पढ़ी जाएगी? अब ये है, कौन लोग कह रहे हैं जूते से मारेंगे? ठाकुर लोग और हर जाते लोग। गाँव कौन से गाँव की बात है? खजुरारा गढ़िया। अमन इंटरनेशनल स्कूल, हमारा पता है नियर श्री धीरेंद्र कोल्ड स्टोरेज, भामत रोड, मैनप्री। प्रवेश प्रारंभ। हमारे स्कूल में साइंस एंड कॉमर्स दोनों की ही सुविधाएं हैं। हमारे यहाँ स्विमिंग पूल, स्केटिंग, बैडमिंटन, स्मार्ट क्लास हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर के टीचरों की व्यवस्था है। छात्रों को लाने और ले जाने बस की व्यवस्था, एक्स्ट्रा क्लासेज की व्यवस्था, कमजोर बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेज की व्यवस्था। अमन इंटरनेशनल स्कूल, हमारा पता है नियर श्री धीरेंद्र कोल्ड स्टोरेज, भामत रोड, मैनप्री। आदर्श राष्ट्रीय आवासीय इंटर कॉलेज, अशोक नगर, कुरावली रोड, मैनप्री। 2008 से लेकर 2019 तक बोर्ड परीक्षाओं में जनपद की टॉप 10 सूची में स्थान पाने वाला एकमात्र स्कूल। इंटरमीडिएट 2017-2018 के स्कूल टॉपर, हाई स्कूल 2017-2018 के स्कूल टॉपर। हमारे प्रबंधक हैं श्री अशोक कुमार, प्रधानाचार्य डॉक्टर किरण सौजिया। आदर्श राष्ट्रीय आवासीय विद्यालय मैनप्री वर्ष 2018-2019 में विभिन्न सैनिक स्कूलों में उत्तीर्ण छात्र। हमारा मोबाइल नंबर है 9720780000, 9458409728। पारुल हॉस्पिटल, SRS नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, ब्रह्मदेव मंदिर, ऑरेंज मंडल, आगरा रोड, मैनप्री। ICU, NICU, PIC एवं वेंटिलेटर की सुविधा। सिर की गंभीर चोट का इलाज एवं जांच 24 घंटे सुविधा उपलब्ध। इमरजेंसी इंटेंसिफायर द्वारा हड्डी, फ्रैक्चर, एक्सीडेंट एवं
जल शॉर्ट का इलाज, सभी प्रकार की बीमारियों का उपचार एवं ऑपरेशन, दूरबीन विधि द्वारा पित्त की थैली की पथरी, गुर्दे की पथरी, हार्निया, दसौली, अपेंडिक्स, हाइड्रोसील, प्रोस्टेट एवं बच्चेदानी का ऑपरेशन, स्वच्छ जनरल वार्ड, इमरजेंसी वार्ड, प्राइवेट वार्ड, एसी की सुविधा, अनुभवी नर्सिंग स्टाफ 24 घंटे उपलब्ध। हमारा मोबाइल नंबर है 9152604315 7830145860892390176।